जैसे आपको पता कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टार जो खुद ही बोल रहा है मैं स्टार हूँ वो मैं हूँ, लेकिन मैं औकात नहीं भूला। मुझे याद है कि ये वही सुरेश धोमेश है जिन्होंने मुझे उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा था। जब चेक दिया उन्होंने 11 लाख का, तो मुझे लगा था शायद ये 1100 है, 11 है, 1000 है। तो मैंने, इन्होंने बोला दिस इज़ फॉर यू, तो मैंने बोला थैंक यू। मैंने बोला पता नहीं क्या दिया है, तो मैंने घर जाकर किसी को बोला यार ये 0 नहीं समझ आ रहा क्या है, 11000 ही दिया होगा। बोलते नहीं नहीं यार कुछ और है। करते करते पता चला कि पहला चेक 11 लाख का उस वक्त 98 में इन्होंने दिया। तो वहीं से तो सावन में लगी आग, वो पहला मेरा गाना वहीं से लगी होगी। तो सर वो 11 लाख का मैं बात करता हूँ, ठीक है चलो। नहीं 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 यार उस वक्त तो मैं भी ट्राई कर रहा था, दैट्स अ वेरी बिग थिंग व्हाट यू जस्ट सेड। प्रतीक तो आना यार सर इतना। चलो जी बोलो जी सोने हाल गणपति बप्पा हो गया। बहुत तब ने बना दी जोड़ी, दिस इज वेरी हॉट यार, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी नाइस। हाजी आइए सर, आप भी सदा जी। हाँ अमेजिंग, This is the thumbnail for all audio platforms and that would be for all video platforms. और जितने भी हमारे प्यार प्यार सिंगर्स आए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स आए हैं, कंपोजर्स आए हैं, राइटर्स आए हैं, जो 3 साल पहले मैंने गलती करी आपने कभी नहीं करा। अगर मैं आता तो कोई भी ना आता, मैंने छोड़ा तो सारे आ गए यार, अब मैं खुद आ गया हूँ भाई। छोड़ते हैं तो उसके लिए 10,000 लोग और मैं चाहता हूँ 22 साल पहले मैंने गलती की। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका एक बार जोरदार तालियां मिलता भाई। और मैं रिक्वेस्ट किया, मैंने आप आएंगे क्योंकि ये लड़की के लिए हम कैसे भी रिलीज़ करते हैं, इनका होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने तो अभी देखा है, बट व्हेन शी केम उसके बाद इन्होंने अपने साथ में शोज में रखा, इतना ट्रेन किया, सो आई थिंक आपका होने से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इसे में तब मिलेगा। वन राउंड ऑफ अप्लॉज, हाउ स्टनिंग आर दे बोथ लुकिंग, उसके लिए तालियां बजा दो। प्रदीप बोल दिया ऑलरेडी, एब्सोल्यूट रॉक स्टार्स। कुछ बोलना चाहते प्रदीप? मैं आई वुड जस्ट लाइक आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग, पूरा बिग बॉस मैंने सच में तुम्हारे लिए देखा। थैंक यू तुम्हारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो मेरे भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुम्हें वो हेट करते हैं। अच्छा। पर मैं तुझे बड़ा प्यार करता था। थैंक यू सर। भैया ये बंदा कमाल है यार, कहाँ से उठ गया और मतलब एकदम आके सिर्फ, और आई थिंक OTT से शुरू करा आपने, उसके बाद इतना लंबा आपने चलाया बिग बॉस, इट वाज फैंटास्टिक एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, बस आपकी ब्लेसिंग्स है सर। उसके बाद टेल अस क्विकली हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग दिस। सो आई वुड जस्ट लाइक टू सेंटर में सो आई एम जस्ट गोना से वन थिंग कि मैंने 2 गाने किए हैं SK म्यूजिक वर्क्स के साथ, एंड आई थिंक ये जो अभी हो रहा है ना, ये मेरी लाइफ में आज तक कभी पहले नहीं हुआ। एंड मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी है, आई थिंक फॉर हर इट्स गोइंग टू बी सच अ प्राउड मोमेंट, दैट्स माय मॉम ओवर देयर। बिकॉज मैंने पहले भी बोला ये बात कि आज तक भाई मिका सर मैं सिर्फ मम्मी को फिल्में दिखाने लाया हूँ यहाँ पे, बाकी एक्टर्स की आज मेरी मम्मी मेरा काम देखने आई है इस थिएटर में, एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मेरे लिए मेरा सपना पूरा हो गया, एंड आप यहाँ पे आए हैं, एंड सब लोग इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पे आए हैं, आई थिंक थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, जेन्युइनली थैंक गॉड। ब्यूटीफुल, आई नो यू आर वेरी नर्वस।